सुख करता दुख हरता बांटा विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर सिंदूराची कंठी सलके माल मुक्ता फळांची जय देव जय देव नए मूर्तिकला केंद्र में। और आप देख सकते हो पीछे गोलू मूर्तिकार यहाँ पर जो है जब अपन आए थे इस तरफ विमल चक्रधारी मूर्तिकला केंद्र में तो यहाँ पर स्टार्ट हुआ नहीं था काम, इस कारण मेरे को भी नहीं पता चल पाया। और यहाँ पर जो है बहुत अच्छी अच्छी आप सबको मूर्ति देखने को मिलेगी, तो मैं आप सबको अंदर ले जा के जो है मूर्ति तरफा दिख रही है यार, तो मैं आप सबको वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ। बाकी वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहना, काफ़ी मज़ा आ जाएगा। भैया का आर्ट गैलरी है जो काफ़ी सुंदर और ज़बरदस्त ज़बरदस्त मूर्ति बनाते हैं, तो अब सबको मैं लेके चलता हूँ अंदर। और लगभग जो है जितने मूर्तिकार हैं वो अभी अपना जो है गेट वेट पूरा बंद करके रखे हैं, क्योंकि अभी जो है कल जो है गणेश जी विराजमान हो जाएंगे, तो क्या है समय बहुत कम है और जो है काम इनका जो है ख़राब ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है छू देते हैं मूर्ति को, उससे स्क्रैच पड़ जाना या फिर टूट मच जाए, इसलिए ढक के रखते हैं। और बहुत सारा मूर्ति आप सबको देखने को मिलेगा कि ढक ढक कर रख दिए हैं ताकि इस पर धूल ना पड़े। और लगभग काफ़ी बड़ा बड़ा जो है मूर्ति आप सबको देखने को मिल जाते हैं। और अगर एड्रेस की बात किए तो मैं एक बार और दिखा दूँगा। बाकी ये देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है गोलू मूर्ति का, और मूर्ति को आप देख सकते हैं कितना प्यारा है। भैया से बात करते हैं। नमस्कार भैया। तो भैया अभी लगभग आपके पास कितनी मूर्ति बनी होगी? मेरे पास बना है 15 करीब बना है। 15 मूर्ति गणेश। अच्छा, और सबसे निकल गए अभी 2-3 मूर्ति निकल गए हैं। हाँ, और सबसे बड़ा मूर्ति कौन सा होगा भैया? बड़ा मूर्ति चले गए हैं, बाकी 7-6 फुट का ही। हाँ, तो कितना मतलब विशाल था वो? करीब 8 फुट का था। 8 फुट का था। और अभी जो है लगभग आपके पास मूर्ति कुछ खाली है कि सब बुक हो गया? बाकी बुकिंग है। सब बुकिंग है ना, मतलब ऑर्डर से ही बना है पूरा। अच्छा, ऐसा ही है, क्योंकि बहुत दिन पहले आए थे तो यहाँ काम चालू हुआ नहीं था शायद। करीब करीब मेरे को एक महीना हो रहा है, ज्यादा दिन नहीं हो रहा है। ऐसा ही है, इसी कारण है। पिछले महीने करीब करीब मैं जुलाई से मतलब चालू किया हूँ। हाँ, तो के बाद दुर्गा माता का जो मूर्ति बनाते हैं 5-6 का बनाना है, तो ऑर्डर ही से बनाओगे? तो है ऑर्डर ही पहले। हाँ, तो अभी जो है कब से आपका ऑर्डर चालू हो जाएगा? जैसे अगर किसी को और ऑर्डर देना है तो कब से? ऑर्डर मैं लेता हूँ जुलाई मई जून मई तक लेता। तो अभी कितना समय तक जो है आप ऑर्डर लोगे अभी अगर कोई देना चाहे तो? अभी तो ऑर्डर बंद है। आप मतलब क्लोज है अभी तक? क्लोज है। ऐसा है क्या? तो और अगर नेक्स्ट टाइम के लिए कोई ट्राई करे तो अपना कॉन्टेक्ट नंबर और पता एक बार बता दो भैया। मोबाइल नंबर है मेरा 8103750492। और एक बार मूर्ति कला का नाम और कहाँ पर पड़ेगा आपको? मूर्तिकर मटपारा चंडी चौक के पास। धन्यवाद भैया ना। तो ये देख सकते हो ये भैया थे हमारे, और यहाँ पर आपको काफ़ी जो है सुंदर सुंदर मूर्ति देखने को मिलेगी। और इसमें जो थोड़ा बहुत काम, ये इसमें ओरिजिनल कपड़ा लगेगा क्या भैया? अच्छा, सर्वांगी सुंदर सिंदूराची कंठी सलके माल मुक्ता फळांची जय देव जय देव दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम नम गणपते नमः ओ देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम नम गणपते नमः सुख करता दुख हरता बांटा विघ्नाची दुर्वी
जयाची सर्वांगी सुंदर सिंदूराची कंठी सलके माल मुक्ता फळांची जय देव जय देव दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम गं गणपते नमः देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम गं गणपते नमः सुख करता दुख हरता बाटा विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर सिंदूराची कंठी सलके माल मुक्ता फळांची जय देव जय देव तेरा ही नाम पुकारू मैं साथ तेरा बस जाऊं मैं दुआ दी अंत महिमा तेरी हम पर बरसाए रखना मेरी बिगड़ी बनाना जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम गं गणपते नमः देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम गं गणपते नमः सुख करता दुख हरता बाटा विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर सिंदूराची कंठी सलके माल मुक्ता फळांची जय देव जय देव इस टाइप से था भैया का यहाँ का मूर्ति और काफी ज्यादा सुंदर है। और एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि जो भैया के पास का मूर्ति है उसका जो है फिनिशिंग और फेस कट बहुत अलग है। अगर आप पूरे नया पारा आए होंगे तो आपको पूरी मूर्ति में जो भैया का मूर्ति बहुत अलग है। भैया बता रहे थे कि भैया जो है राधेश्याम चक्रधारी भैया यहाँ फाइबर मूर्ति का काम भी करते हैं और बहुत सारी जगह ऐसे है जहाँ काम करते हैं फाइबर मूर्ति का। इस कारण जो है उनका जो है कला बहुत ही ज़्यादा अलग है इस कारण है। तो बहुत कुछ नया नया जानने और सीखने को भी मिलता है वीडियो के माध्यम से। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सपोर्ट करो मेरे चैनल अमित व्लॉग को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, शेयर करो, शेयर से ही बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ेगा। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, टाटा और जय जोहार जय छत्तीसगढ़ माता की। बाकी आप सबको बोर्ड ये दिखा देता हूँ, ये इस प्रकार से है भैया का गोलू मूर्तिकार मठ पारा दुर्ग वार्ड क्रमांक 3 और मिट्टी गणेश दुर्गा एवं सरस्वती जी की मूर्ति बनाई जाती है। तो इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हो, बाकी ऊपर नंबर आप सबको दो देखने को मिल जाता है।